केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन की नौमंतखब बॉडी के एजाज में जोहराना दिया है। जनरल सेक्रेटरी कैप एसएफ गुफरान मुश्तबा और दीगर ने सीआरए की नौमंतखब बॉडी को सालाना इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुफरान मुश्तबा की दावत पर क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफद ने कैप सेक्रेटरीट का दौरा किया। सैयद गुफरान मुश्तबा और दीगर ने सीआरए वफद का इस्तकबाल किया और हालिया इंतखाबात में कामयाबी पर क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान को मुबारकबाद दी। K21 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सैयद गुफरान मुश्तबा का कहना था कि क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के मेंबरान का मीडिया इंडस्ट्री के नामसाइद हालात के बावजूद अवाम तक हकाइक पहुंचाने का जज्बा लायक़े तहसीन है। सीआरए के इमरान को सदर होने के मुंतखब होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इमरान और उनकी पूरी टीम जो है कराची की जो क्राइम्स की रिपोर्ट्स हैं उसको और बेहतर करेंगे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हकाइक लोगों तक पहुँचे और जो भी इनके मसाइल हैं और केबल ऑपरेटर के मसाइल हैं हमने आपस में बैठ के यही एक दूसरे से बात की है कि हम दोनों एक दूसरे के तआवुन के साथ मज़ीद अपने आप को हम केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सारे केबल ऑपरेटर्स को और ये अपने सीआरए के जितने इनके 190 मेंबरान हैं उन सबको एक दूसरे से मिलकर मजबूत करें और जो जो मसाइल होंगे उसमें हम इनके साथ खड़े हैं या हमारे साथ खड़े हैं। सीआरए के सदर राव इमरान अशफाक, नायब सदर आमिर मजीद और जॉइंट सेक्रेटरी मोनिस सिराज ने कैप अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता क्राइम रिपोर्टर्स की कोशिशों को दुनिया भर के सामने लाने में केबल ऑपरेटर्स का अहम किरदार है। आज हम एक तो केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के दफ्तर में आए, गुफरान भाई ने केबल ऑपरेटर के सरबराह जो गुफरान मुश्तबा साहब, इन्होंने जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने सीआरए की नौ मुंतखब बॉडी को मदू किया था और इसके लिए हमारी इनसे क्यों केबल ऑपरेटर का और जो है रिपोर्टर्स का चोली दामन का साथ है और इन्होंने जो है हमने इनसे भी कुछ गुजारिशात की हैं कि हम लोग सीआरए का मकसद ये है कि क्राइम रिपोर्टर के फलाह बहबूद के लिए काम करना। कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन भी जो है क्राइम रिपोर्टर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके शाना बशाना खड़ी है, इंशाल्लाह जो भी हमसे ताउन हो सकेगा हम ज़रूर उनका साथ देंगे इस हवाले से। जी बहुत शुक्रगुजार हैं हम केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का, खास तौर पर गुफरान साहब का कि उन्होंने नौ मुंतखब बॉडी के एजाज़ में जो है वो एक लंच का इंतमाम किया था। हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे जो कुछ मुतालबात थे, कुछ हमारी गुजारिशात थी, हमने इनके सामने रखी हैं और इन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि अपनी जिस हद तक मुमकिन हो सके ये कोशिश करेंगे। कैप की जानिब से सीआरए वफ्द के एजाज में पुरतकल्लुफ जोहराने का भी अहतमाम किया गया। कैप के जनरल सेक्रेटरी ने क्राइम रिपोर्टर्स को के इलेक्ट्रिक से मुतालिक शिकायात और केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल के हवाले से भी तफसीली तौर पर आगाह किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कराची के क्राइम रिपोर्टर्स केबल ऑपरेटर्स के साथ की जाने वाली ज्यादतियों पर कैप की आवाज़ बनेंगे। उन्होंने जल्द इस सिलसिले में अदालत से रुजू करने का भी ऐलान किया। अकरम कुरैशी, K21 न्यूज़, कराची।